मैथमेटिक्स क्लास 12 प्रोबेबिलिटी में हम लोग इस समय एक्सरसाइज 13.4 का इंट्रोडक्शन कर रहे हैं और उसके इंट्रोडक्शन में हम लोगों ने ऑलरेडी कई सारी चीजें पढ़ ली हैं। जैसे कि एक तो हमने पढ़ लिया हुआ था कि आप रैंडम वेरिएबल क्या होता है और कैसे उसे बनाएंगे। दूसरा हमने पढ़ा कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे बनाते हैं, प्रायिकता बंटन आप कैसे बनाते हैं, उसके एग्जांपल्स भी देखे। तीसरा लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा हुआ था कि यादृच्छिक चर का माध्य कैसे निकालते हैं, हाउ कैन वी फाइंड द मीन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल, इसके लिए फॉर्मूला बताया गया आपको। ई ऑफ एक्स भी फॉर्मूला है, ई ऑफ एक्स भी सिंबल है उसका, और उसका सिंबल म्यू भी था, उसका भी फॉर्मूला आपको बताया गया। आज हम लोग प्रोबेबिलिटी में एक्सरसाइज 13.4 के इंट्रोडक्शन में एक नई चीज लेके आए हैं हम आपके लिए, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी एग्जामिनेशन में बहुत पूछे जाते हैं। क्या पढ़ना है तो फिर आज हमको माध्य इसमें 13.4 एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन में आप बहुत अच्छे से समझिए और गौर से समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छा आपको देखिएगा, समझ में आएगा। तो आज मुझे पढ़ना है वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल, ऑफ अ रैंडम वेरिएबल। क्या मीनिंग होगा इसका, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल, बहुत अच्छे से समझिएगा आप इसे। स्टूडेंट्स हमेशा ऐसा सोचते रहते हैं कि ये बड़ी कठिन चीज है, लेकिन आई थिंक कि ये सबसे आसान है। आप थोड़ा सा गौर करके देखें, रटे नहीं किसी चीज को, आप जब भी समझेंगे आपको पूरा समझ में आएगा। वेरिएंस का मतलब होता है, इससे हम हिंदी में बोलते हैं प्रसरण, प्रसरण, बिखराव, विचरण, ये सब इसके नाम है। प्रसरण, बिखराव, विचरण, ये सब इसी के मीनिंग है। स्टैंडर्ड डेविएशन आप जो देखते हैं इसका मतलब होता है मानक विचलन, मानक विचलन, स्टैंडर्ड डेविएशन। ये आर्टिकल्स आपने क्लास 7th में भी करे हैं, स्टैटिस्टिक्स चैप्टर में सांख्यिकी आपने किए हैं। रैंडम वेरिएबल का मीनिंग होता है यादृच्छिक चर, आप ऑलरेडी इसके बारे में पढ़ चुके हैं, आपको बताया भी जा चुका है। तो हम ये देखेंगे कि क्या होता है प्रसरण, मानक विचलन, इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये सब आज हम लोग देखेंगे। आपको मैं एक चीज और बता दूं, प्रसरण का हमारे पास जो सिंबल हुआ करेगा, प्रसरण के लिए हम जो सिंबल्स यूज करेंगे वो सिंबल यूज करेंगे सिग्मा एक्स स्क्वेयर, सिग्मा एक्स स्क्वेयर, या इसके लिए हम एक सिंबल और यूज करते हैं वेरिएंस ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स, वेरिएंस ऑफ अ रैंडम वेरिएबल एक्स। दीज आर द टू सिंबल्स फॉर द वेरिएंस ऑफ अ रैंडम वेरिएबल, प्रसरण के लिए ये दो सिंबल्स हम यूज करेंगे, आप सभी स्टूडेंट्स को ये अच्छे से याद रखने हैं। ओके, मानक विचलन के लिए, बिकॉज यू ऑल नो वेरी वेल दैट द स्टैंडर्ड डेविएशन इज बेसिकली स्क्वेयर रूट ऑफ वेरिएंस, मानक विचलन प्रसरण के वर्गमूल के बराबर होता है। तो मानक विचलन को हम प्रसरण के वर्गमूल के बराबर ले सकते हैं। आप प्रसरण कैलकुलेट कर लें, उसका स्क्वेयर रूट निकालेंगे तो आपको स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू मिल जाएगी। प्रसरण, प्रसरण का सिंबल ये भी है, ये भी है, अगर इससे निकाल रहे हैं तो स्टैंडर्ड डेविएशन का सिंबल बनेगा सिग्मा एक्स, क्योंकि सिग्मा एक्स स्क्वेयर का जब आप स्क्वेयर रूट करोगे तो स्क्वेयर रूट से स्क्वेयर कैंसिल हो जाएगा, सिग्मा एक्स बचेगा, तो ये भी इसका सिंबल होगा। और अगर हम ये दिख रहे हैं प्रसरण की जगह पर तो फिर इसकी वैल्यू होगी अंडर रूट वेरिएंस ऑफ एक्स।
सो दीज आर द नेम्स, दीज आर द सिंबल्स, आप सबको याद रखना है और आप सबको ये तो मालूम ही है कि यादृच्छिक चर को हम कैपिटल एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आज हम क्या सीखने चल रहे हैं, किसी यादृच्छिक चर का प्रसरण और मानक विचलन। क्या सीख रहे हैं, किसी यादृच्छिक चर का प्रसरण और मानक विचलन। तो ये मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया, वेरिएंस को प्रसरण कहते हैं, सिंबल सिग्मा एक्स स्क्वायर और वेरिएंस ऑफ एक्स बनाते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए सिग्मा एक्स सिंबल होगा प्रसरण के स्क्वायर रूट के बराबर होगा, वेरिएंस ऑफ एक्स के स्क्वायर रूट के बराबर होगा। सो प्लीज इसको आप स्क्रीन सॉल्व कर लें, मैं अब इसे इरेज कर देता हूं। अब मैं और आगे की बात करता हूं इसमें। हाँ, एक चीज मैं और बता देना चाहूंगा यहाँ पे कि आखिरकार मुझे प्रसरण की आवश्यकता क्यों पड़ी। हमने इससे पहले भी नियम पढ़ लिया है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ चुके हैं हम, तो इतनी सारी चीजें अगर पढ़ चुके हैं तो क्यों प्रसरण की हमको आवश्यकता है। मैं आपको बता दूं कि यादृच्छिक चर का जो माध्य होता है, यादृच्छिक चर का माध्य तक पढ़ चुके हैं हम लोग, लेकिन यादृच्छिक चर का माध्य, यादृच्छिक चर के जो मान होते हैं उनके बीच में कितना बिखराव है, उनके बीच में कितना विचरण है, इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं देता है। फिर से मैं नोट कर देता हूं, दिस इज अ वेरी नोटिसिएबल पॉइंट, यू ऑल हैव टू रिमेंबर इट, कि किसी यादृच्छिक चर का माध्य, किसी यादृच्छिक चर का माध्य किसी यादृच्छिक चर का माध्यम उस यादृच्छिक चर के मानों में विचरण, विचरण मीन्स बिखराव, वेरिएशन, किसी यादृच्छिक चर का माध्य, यादृच्छिक चर का माध्य मीन्स म्यू, जिसे आप एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स भी कहा करते हैं। तो किसी यादृच्छिक चर का जो माध्य होता है मींस म्यू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, ये उस यादृच्छिक चर के मानों में विचरण अर्थात बिखराव के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं देता, हमें कोई जानकारी नहीं देता, हमें कोई जानकारी नहीं देता है। तो आप याद रखें, हमने अभी तक माध्य तक पढ़ लिया है, लेकिन माध्य जो निकालते हैं हम, जो कैलकुलेट करके हम फाइंड आउट करते हैं, वो माध्य हमें उस यादृच्छिक चर के जो मान होते हैं। बेटा यादृच्छिक चर के मान आपको याद होंगे, x की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4 इस टाइप की आती थी। यादृच्छिक चर के मानों में कितना विचरण है, कितना बिखराव है, कितना वेरिएशन है, इसके बारे में हमें कोई नॉलेज हमें माध्य नहीं देता। कैसे पता ये हमको, तो इसके लिए मैं आपके सामने एक एग्जांपल देता हूं, आप उसको समझिए और आप देखेंगे कि माध्य हमको यादृच्छिक चर के मानों के बीच में कोई विचरण के बारे में कोई जानकारी नहीं देता, उसके बिखराव के बारे में कोई जानकारी नहीं देता है। कैसे, चलिए हम उसको एग्जांपल की मदद से समझते हैं। ओके, आप इसका स्क्रीन शॉट ले लें ताकि आपको अच्छे से आपको याद बना रहे। तो अब मैं आपको क्या बताने चल रहा हूं, सबको तैयार हुआ, मैं आपको ये बताने चल रहा हूं कि जो मैंने ये लिख दिया है कि किसी यादृच्छिक चर का जो माध्य होता है वो हमें उस यादृच्छिक चर के मानों के बीच में कितना विचरण है, कितना बिखराव है, हमें उसके बारे में कभी कोई नॉलेज, कभी कोई सूचना, कभी कोई जानकारी हमको नहीं देता है। कैसे मैंने ये कह दिया, इस बात को मैं आपको समझाने चल रहा हूं, आप भी जरा गौर से देखिए। एग्जाम्पल के लिए मैं बुक से ही एग्जाम्पल उठा लेता हूँ, ज्यादा आसानी रहेगी मेरे लिए भी और आपको भी समझना काफी इजी रहेगा। इसके लिए बेटा मेरे पास दो आंकड़े हैं, आप देखें, दो प्रायिकता बंटन दिए गए हैं बुक में, एग्जाम्पल्स में। एक ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मुझे बना के दिया गया है जिसमें यादृच्छिक चर है और यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडम वेरिएबल्स यूज करेंगे, 1, 2, 3, 4 बॉक्सेस होंगे यहाँ पे, 1, 2, 3 एंड 4 बॉक्सेस,
आगे इस बॉक्स की हमको जरूरत नहीं है, हमने हटा दिया। एक्स रैंडम वेरिएबल है 1, 2, 3 एंड 4, प्रोबेबिलिटीज हैं 1/8, 2/8, 3/8 एंड 2/8। एक तो ये देता है हमारे पास, ये आंकड़ा 1 है मेरे पास फर्स्ट डाटा। इसके बाद एक दूसरा भी डाटा है हमारे पास जो रैंडम वेरिएबल और प्रोबेबिलिटीज के बीच में रिलेशन देता है, हमें उसकी जानकारी देता है। उसका एक प्रायिकता बंटन बना के दिया गया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स। देयर आर 1, 2, 3, 4, 5 रैंडम वेरिएबल्स, सो वी हैव टू मेक 5 बॉक्सेस हियर, 1, 2, 3, 4 एंड वन मोर बॉक्स आई विल हैव टू मेक हियर। एंड द रैंडम वेरिएबल्स आर -1, 0, 4, 5 एंड 6 एंड देयर करिस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज आर 1/8, 2/8, 3/8 अगेन 1/8 एंड 1/8। सो दीज आर द टू डाटास। एक आंकड़ा ये भी है मेरे पास में, सेकेंड फर्स्ट सेकेंड सॉरी मैं यहां पर वाई लिख रहा हूं जिससे दोनों के बीच डिफरेंस आप कर सके, आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके, ये पहला डाटा है मेरे पास जिसके ये रैंडम वेरिएबल्स और उनकी प्रोबेबिलिटीज। सेकेंड डाटा है मेरे पास, ये उसके यादृच्छिक चर हैं और ये उनकी प्रायिकता है। मैं इन दोनों की आपको माध्य निकाल के दिखाता हूं। आपने माध्य निकालना सीखा भी है तो आप यूज करके उसका मीन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आंकड़ा 1 का माध्य पहले मैं निकाल के दिखाता हूं, आंकड़े फर्स्ट का माध्य, मीन ऑफ फर्स्ट डाटा, म्यू फॉर एक्स, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स। ओके, कैसे फाइंड आउट करेंगे, फॉर्मूला आपको याद होगा, मैं ज्यादा नहीं लिखूंगा, आप याद करिए, याद अच्छे चर और उसके संगत प्रायिकताओं को मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना था मुझे। तो चलिए सॉल्व करिए, मैं डायरेक्ट थोड़ा सा करना चाहता हूं। 1 को 1/8 से मल्टीप्लाई करेंगे, इट विल बिकम 1/8। 2 को 2/8 से मल्टीप्लाई करेंगे, इट विल बिकम 4/8। 3 × 3/8, इट विल बिकम 9/8 प्लस 4 × 2/8 means 8/8। ओके, कैलकुलेट इट, डिनोमिनेटर सबके सेम है, न्यूमिनेटर्स को डायरेक्टली ऐड कर लीजिए आप। 1, 4, 5, 5, 9, 14 एंड 8, 22 अपॉन 8। आप इससे डिवाइड कर लेंगे, 2 से कैंसिल करेंगे, 11, 2 are 22 एंड 2, 4 are 8। 4 से डिवाइड करिए, 4, 2 are 8, 4, 2 are 8 कैरी 3, 4, 7 are 28, 4, 5 are 20। ओके, सो द मीन ऑफ फर्स्ट डाटा विल बी 2.75, यू कैन कैलकुलेट इट। नाउ आई विल फाइंड द मीन ऑफ द सेकेंड डाटा। आंकड़ा 2 का माध्य, मैं फिर से थोड़ा शॉर्ट में यूज करना चाहता हूं, म्यू फॉर वाई, रैंडम वेरिएबल वाई, एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई वी कैन से एंड हाउ आई विल फाइंड। तो रैंडम वेरिएबल्स को उनकी करिस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करवाइए और सबका सम कर दीजिए। आप लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं, सो प्लीज डू इट। -1 × 1/8, इट विल बी -1/8 प्लस 0 × 2/8, 0, 4 × 3/8, 12/8 प्लस 5 × 1/8, 5/8 प्लस 6 × 1/8, 6/8। एड देम अप, -1 and 12 प्लस 11, 11 and 5, 16, 16 and 6, इट विल बिकम 22/8। इट इज अगेन द सेम नंबर जो कि यहां पर आया हुआ था, 28, 2/8, 22/8। इट मीन्स इसका भी जो मीन आएगा दैट विल बी 2.75।
बेटा आप देख सकते हैं दो अलग अलग आंकड़े हैं, दोनों के रैंडम वेरिएबल्स डिफरेंट हैं। इसके रैंडम वेरिएबल्स हैं 1, 2, 3, 4, इसके रैंडम वेरिएबल्स हैं -1, 0, 4, 5, 6। इसकी प्रोबेबिलिटीज आप देख रहे हैं, इसकी प्रोबेबिलिटीज आप देख रहे हैं, तो दोनों आंकड़े अलग अलग हैं, लेकिन वी आर सीइंग हियर दैट द मीन ऑफ बोथ द डाटा इज सेम। दोनों के माध्य आपस में कैसे हैं, बराबर हैं दोनों के माध्य। अब माध्य दोनों के बराबर है, इसका मैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी आपको करके दिखाता हूं, आप उसे भी देखिए। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से आपको अंदाजा लगेगा कि इनमें कितना बिखराव है, कितना विचरण है, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी मैं आपको करके दिखाता हूं, आप उसको देखिए। दोनों के मैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करके दिखाता हूं, पहले का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में यहां आपको शो करता हूं। आप देखिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए मैं एक काम करता हूं, ये वाई एक्सिस पे मैं फर्स्ट डाटा की निकाल रहा हूं, तो वाई एक्सिस पे वाई अक्ष पे मैं प्रायिकताएं ले रहा हूं इसकी, और जो एक्स एक्सिस हमारी होती है उस पे मैं इनके यादृच्छिक चर ले रहा हूं। तो इधर की तरफ मैं यादृच्छिक चर ले रहा हूं, आंकड़ा एक का मैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर रहा हूं, एक्स अक्ष पे यादृच्छिक चर, वाई अक्ष पे उनके संगत प्रायिकताएं, यादृच्छिक चर 1, 2, 3, 4 है। सपोज दिस इंडिकेट्स 0, दिस इज 1, 2, 3 एंड 4। प्रोबेबिलिटीज में आप देखिए मिनिमम 1/8 और मैक्सिमम 3/8 है, तो मिनिमम मैं यहां पर ले लेता हूं, दिस इज 1/8, दिस इज 2/8 एंड दिस इज 3/8। तो मैं क्या कर रहा हूं, जो हमारे पास पहला आंकड़ा है उसका मैं एक यादृच्छिक चर और उसकी प्रोबेबिलिटी के बीच में एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपको करके दिखाता हूं, आप तब उसके विचरण के बारे में अच्छे से समझ पाएंगे। तो मैंने एक्स अक्ष पे किसको ले लिया, आंकड़े एक के यादृच्छिक चर को ले लिया, वाई अक्ष पे मैंने किसको ले लिया, आंकड़े एक के प्रायिकताओं को ले लिया मैंने, ओके। और अब मैं इसका बार ग्राफ बनाऊंगा, बार ग्राफ, दंड ग्राफ इसको बोला जाता है। कैसे बनेगा जरा गौर से देखिएगा, जब यादृच्छिक चर एक है तो प्रोबेबिलिटी कितनी, 1/8। ध्यान से देखें बेटा, यादृच्छिक चर के लिए इधर जाना, प्रायिकता के लिए इधर जाना, यादृच्छिक चर जब एक है तो प्रायिकता 1/8, यादृच्छिक चर एक है प्रायिकता 1/8। तो हम इसे कैसे बना सकते हैं, हम इसे ऐसे बना सकते हैं इस तरह से, यादृच्छिक चर चर जब एक है तो प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/8, ओके। यादृच्छिक चर जब 2 है तो प्रायिकता 2/8 है, यादृच्छिक चर 2 है प्रोबेबिलिटी 2/8। यहां तक तो मैं इसको भी ड्रॉ करता हूं इस तरह से, और आप देखें यादृच्छिक चर 2 पर जो प्रोबेबिलिटी है दैट इज 2/8, यादृच्छिक चर 3 पर प्रायिकता 3/8, 3 पर प्रायिकता 3/8। यहां तक आपको जाना है, यादृच्छिक चर 3 पर जो प्रोबेबिलिटी होगी दैट इज 3/8। आप देख सकते हैं टेबल आपके सामने, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है ये आपने देखा। यादृच्छिक चर जब 4 है तो प्रायिकता 2/8 है, 4 यादृच्छिक चर होने पर प्रायिकता 2/8 है, इसके बराबर प्रायिकता है। जब यादृच्छिक चर 4 है तो प्रोबेबिलिटी 2/8 है। दिस सो दिस इज द ग्राफ बिटवीन रैंडम वेरिएबल एंड प्रोबेबिलिटीज ऑफ द फर्स्ट डाटा। आप इसको देखिए, अभी आपको सारा मजरा समझ में आ जाएगा। आगे हम फिर से यहां पर ले लेते हैं, क्योंकि अब मुझे सेकेंड डाटा के लिए भी तो यही ग्राफ बनाना है, तो सेकेंड डाटा के लिए भी हम यही ग्राफ बनाएंगे। आप इसको अच्छे से समझिए, इसके लिए भी वही चीज है। मैं वाई एच पी मैंने ले लिया प्रोबेबिलिटी डाटा, क्योंकि वाई से रैंडम वेरिएबल को रिप्रेजेंट किया गया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई ले लिया मैंने, और एक्स अक्ष पर मैं यादृच्छिक चर लिए ले रहा हूं, तो क्योंकि इसका यादृच्छिक चर वाई से रिप्रेजेंट किया गया है, तो हमने यादृच्छिक चर वाई ले लिया एक्स अक्ष पे, और वाई अक्ष पे ले लिया उस यादृच्छिक चरों से संबंधित प्रायिकताओं को, ओके। अब
इधर की तरफ ये पॉइंट मैंने जीरो मान लिया, यहां पर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स भी है इसमें, तो मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूं जरा। वन टू थ्री फोर फाइव एंड द लास्ट वन इज सिक्स, तो जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, ओके सॉरी। लेफ्ट हैंड साइड में आएंगे तो नेगेटिव आपको मिलेंगे माइनस वन, ओके। प्रोबेबिलिटीज में देखिए तो रैंडम वेरिएबल्स मैंने देखा माइनस वन टू सिक्स, माइनस वन टू सिक्स, ओके। प्रोबेबिलिटीज में देखिए मिनिमम वन बाई एट एंड मैक्सिमम थ्री बाई एट, मिनिमम वन बाई एट मैं यहां ले लेता हूं, टू बाई एट एंड थ्री बाई एट, वन बाई एट टू बाई एट एंड लास्ट एंड मैक्सिमम प्रोबेबिलिटीज थ्री बाई एट इन डाटा टू, ओके। नाउ वी आर रेडी टू मेक द ग्राफ। सो फॉर रैंडम वेरिएबल माइनस वन द प्रोबेबिलिटी इज वन बाई एट, याद रखिए चल माइनस एट के लिए प्रायिकता कितनी है एक बटे आठ, माइनस एट के लिए प्रायिकता एक बटे आठ है। तो ग्राफ कैसा बनेगा, बार ग्राफ आपको तैयार करना है। ये वन बाई एट में थोड़ा सा इसके नजदीक कर देता हूं, माइनस वन के लिए यहीं तक आएगा और थोड़ा सा नीचे या ये मैंने बना दिया, देखिए आप। तो माइनस वन पर प्रोबेबिलिटी, माइनस वन के लिए प्रोबेबिलिटी वन बाई एट है, माइनस वन के लिए प्रोबेबिलिटी वन बाई एट के बराबर है। अब रैंडम वेरिएबल जीरो के लिए प्रोबेबिलिटी टू बाई एट है, तो जीरो यहां पर है, प्रोबेबिलिटी टू बाई एट यहां पर है। इसका बार ग्राफ आप बनाइए, इसका बार ग्राफ जब आप बनाएंगे तो वो इस तरह का आ जाएगा। जीरो के बाद सीधे कहां पर आना है, फोर पे, फोर पर प्रोबेबिलिटी कितनी थ्री बाई एट, फोर यहां पर है बेटा, वन टू थ्री नहीं है रैंडम वेरिएबल में, फोर है, फोर के लिए थ्री बाई एट लेना है, तो थ्री बाई एट तो इसके सामने आ जाएगा, तो मैं इसको ऐसा बना देता हूं, सॉरी इसको थोड़ा सा और मैं अच्छे से कर देता हूं। ये यहां पर आया और ये यहां पर आ गया। अब आप देख सकते हैं बेटा ये फोर पर आ गया थ्री बाई एट, फाइव पर वन बाई एट, फाइव पर वन बाई एट, वन बाई एट यहां पर है, यहां पर वन बाई एट बनाना रहेगा मुझे, ये मैंने वन बाई एट कर दिया फाइव। आप आंकड़ा देख सकते हैं कि जब रैंडम वेरिएबल फाइव है तो प्रोबेबिलिटी वन बाई एट है, और जब रैंडम वेरिएबल सिक्स है देन अगेन प्रोबेबिलिटी इज वन बाई एट। तो मैं इसको भी बना सकता हूं, आप ये देखिए सिक्स पर भी प्रोबेबिलिटी वन बाई एट। इस तरह से आप दोनों ग्राफ को देखिए, दिस इज फॉर डाटा वन एंड दिस इज फॉर डाटा टू। बेटा आप देख सकते हैं आपके सामने सब कुछ है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी आपके सामने है, आंकड़े दोनों आंकड़ों के माध्य भी आपके सामने हैं और दोनों के ग्राफ भी आपके सामने हैं। अब आप देखिए जब आपने इन दोनों आंकड़ों को देखा, डिस्ट्रीब्यूशन को देखा, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को, तो आपने माध्यमिक के कैलकुलेट किए, आप देखें कि दोनों के मीन्स आपस में कैसे सेम, और दोनों के मीन्स सेम है तो मुझे तो लगा कि दोनों का बिछड़ या दोनों का बिखराव भी कैसा होगा सेम, मुझे उसके बारे में दिमाग ही नहीं गया, मेरा दिमाग ही नहीं गया, मुझे लगा कि अगर दोनों के मीन सेम है तो दोनों के वेरियंस, दोनों के विचरण, दोनों के बिखराव भी सेम होंगे। बट आप ग्राफ को देखिए, ग्राफ को देखिए, यहां पर रैंडम वेरिएबल्स के बीच का बिखराव कैसा है और यहां पर रैंडम वेरिएबल्स के बीच का बिखराव कैसा है, यहां पर विचरण एक जैसा है सब जगह लेकिन यहां का विचरण एक जैसा नहीं है, ये गैप देखिए कितना ज्यादा गैप है। तो आपने क्या देखा, दो अलग अलग आंकड़े, माध्य बिल्कुल समान लेकिन यादृच्छिक चरों का विचरण बिल्कुल अलग अलग है। आप समझ सकते हैं कि यादृच्छिक चरों का विचरण
बिल्कुल अलग अलग है लेकिन माध्य बिल्कुल सेम है। अगर माध्य को देखकर विचरण का अंदाजा लगाएंगे तो माध्य हमें विचरण के बारे में जानकारी नहीं देता, क्योंकि माध्य तो समान है, समान माध्य होने पर विचरण का हमें अंदाजा नहीं मिलता। जबकि ग्राफ आप देखें इसमें यादृच्छिक चरों का वेरियंस वेरिएशन अलग टाइप का है, इसमें यादृच्छिक चरों का वेरिएशन अलग टाइप का है। तो क्या माध्य को देखकर आपके मन में ये क्वेश्चन आया था कि इनका वेरिएशन अलग अलग होगा, लेकिन जब मैंने ग्राफ बनाया आप तब देख पा रहे हैं कि दोनों का वेरिएंस कैसा है, डिफरेंट है। इट मींस कि किसी भी यादृच्छिक चर का जो हमें माध्य होता है वो हमें कभी भी यादृच्छिक चरों के माध्यम में कैसा विचरण है, किस प्रकार का वेरिएशन है, हमको कभी भी जानकारी उससे नहीं मिलती है। ठीक है, तो यही मैंने पॉइंट शुरू में लिखा था और आप ग्राफ और इन सब की मदद से देखिए आपको ये चीज मैंने प्रूफ करके दिखाया। तो इसका मतलब साफ है कि मीन से मुझे वेरिएशन के बारे में तो जानकारी नहीं मिलती है, तो मुझे वेरिएशन के बारे में जानकारी कौन देगा कि यादृच्छिक चरों के बीच में किस प्रकार का बिखराव है, यादृच्छिक चरों के बीच में किस प्रकार का विचरण है, इसके बारे में जानकारी मुझे कौन देगा। तो मैं आपको बता दूं कि यादृच्छिक चरों के बीच में किस प्रकार का विचरण है, किस प्रकार का बिखराव है, इसके बारे में जानकारी मुझे यादृच्छिक चर का वेरिएशन देगा, वेरियंस देगा, प्रसरण देगा, मानक विचलन देगा। तो मुझे यादृच्छिक चर का प्रसरण और मानक विचलन निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि माध्य से यादृच्छिक चर के विचरण के बारे में, उसके बिखराव के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं मिलती। तो चलते हैं फिर यादृच्छिक चर का प्रसरण और माध्य विचलन कैसे कैलकुलेट करते हैं मैं उसको बताता हूं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसे आप इरेज कर देता हूं। अब आ जाते हैं हम एक यादृच्छिक चर का प्रसरण और मानक विचलन कैसे कैलकुलेट करेंगे इसके बारे में मैं आपको बताता हूं। ये एक एग्जांपल था जिसने आपके सामने ये प्रूफ करके दिखा दिया कि किसी भी अंगले का जो माध्य होगा वो कभी भी आपको यादृच्छिक चरों के बिखराव के बारे में कोई नॉलेज नहीं देगा, कोई इंडिकेशन नहीं देगा, कोई सूचना आपको नहीं देगा। अब प्रसरण की बात अगर करते हैं तो देखते हैं कैसे निकालेंगे। मैं आपको लिख देता हूं, बताता हूं कि यदि x एक यादृच्छिक चर है, यदि x एक यादृच्छिक चर है जिसके संभावित मान क्रमशः, यदि x एक यादृच्छिक चर है जिसके संभावित मान क्रमशः, यदि x एक यादृच्छिक चर है इसके संभावित मान क्रमशः x1, x2, x3, xn है। देखिए मैं आपको निकालना बता रहा हूं कि कैसे आप वेरिएशन कैलकुलेट करेंगे। तो यदि x एक यादृच्छिक चर है इसके संभावित मान क्रमशः x1, x2, x3, xn है तथा इन यादृच्छिक मानों के संगत, तथा इन यादृच्छिक चरों के संगत प्रायिकताएं क्रमशः, इन यादृच्छिक चरों के संगत प्रायिकताएं क्रमशः P1, P2, और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी फॉर X1, प्रोबेबिलिटी फॉर X2, प्रोबेबिलिटी फॉर X3 .. प्रोबेबिलिटी फॉर XN है। तब यादृच्छिक चर का प्रसरण, तब यादृच्छिक चर का प्रसरण, आपको याद होगा मैं काफी बताया गया प्रसरण का सिंबल क्या था। प्रसरण का सिंबल था सिग्मा एक्स स्क्वायर, या प्रसरण का सिंबल था वेरिएंस ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स। फिर से एक बार कि यदि एक्स अगर यादृच्छिक चर है और उसके संभावित मान क्रमशः x1, x2, xn है तथा इन यादृच्छिक चरों के संगत प्रायिकताएं प्रोबेबिलिटी ऑफ x1, प्रोबेबिलिटी ऑफ x2, प्रोबेबिलिटी ऑफ x3, प्रोबेबिलिटी ऑफ xn है,
तब यादृच्छिक चर का प्रसरण सिग्मा एक्स स्क्वायर और वेरिएंस ऑफ एक्स विल बी गिवेन बाय सिग्मा एक्स आई माइनस म्यू होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय पी ऑफ एक्स आई प्रोबेबिलिटी ऑफ डाटा प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडम वेरिएबल्स वेयर आई स्टार्ट्स फ्रॉम वन एंड गोज अप टू एन. This will be the formula for the variance. ये variance का formula होगा. और बेटा standard deviation की अगर मैं बात करूं, मानक विचलन की बात करूं, तो जब आपका variance निकल आए तो उसी का आप वर्गमूल ले लेना, उसी का square root कर देना, तो आपको standard deviation भी मिल जाएगा. okay? तो ये variance का formula होगा. अब क्योंकि ये variance का अगर formula है तो इसको बेटा apply करना हमें थोड़ा सा टफ लगता है. अब मैं इसके लिए आपको एक इजी तरीका भी बताता हूं, तो प्लीज देखिए वो इजी मेथड क्या है. आई विल कैलकुलेट इट और आप उसको गौर से देखिए कि क्या है वो इजी तरीका. मैं उसका कैलकुलेशन भी आपको करके बताऊंगा. आप देखें इसको कैलकुलेट करके मैं बता रहा हूं. तो इसके लेफ्ट हैंड साइड में सिग्मा एक्स स्क्वायर और वेरियंस ऑफ एक्स इज इक्वल टू, देखें आप सिग्मा आप देख रहे हैं एक्स आई माइनस बी होल स्क्वायर लिखा हुआ है. यहां पर हम ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करेंगे. तो ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी. ओके, ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी. पहले नंबर का स्क्वायर प्लस दूसरे नंबर का स्क्वायर माइनस दोनों के गुणनफल का दोगुना, दोनों के गुणनफल का दोगुना. चलिए सॉल्व करिए इसको. एक्स आई स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर माइनस टू एक्स आई इंटू म्यू और टू म्यू इंटू एक्स आई मल्टीप्लाई बाई पी ऑफ एक्स आई where I starts from 1 and goes up to n. okay? अभी मैंने पूरा वही रखा सेम, सिर्फ a minus b के होल स्क्वायर को ओपन कर लिया है और उसके साथ प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स आई भी लिख दी है. चलिए अब इसको और कैलकुलेट करिए. इसको ब्रैकेट के अंदर ले जाकर के मल्टीप्लाई करवाइए. सिग्मा एक्स आई स्क्वायर इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स आई, सिग्मा एक्स आई स्क्वायर इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स आई वेयर आई स्टार्ट फ्रॉम वन टू एन प्लस. अब इसके साथ आइए तो सिग्मा म्यू स्क्वायर इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स आई, म्यू स्क्वायर इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स आई इसको मल्टीप्लाई करवा दिया. वेयर आई स्टार्ट फ्रॉम वन एंड गोज अप टू एन माइनस, नेक्स्ट माइनस का सिंबल है, सिग्मा टू इंटू म्यू इंटू एक्स आई, टू इंटू म्यू इंटू एक्स आई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स आई वेयर आई स्टार्ट फ्रॉम वन एंड गोज अप टू एन. यहां तक हमने कैलकुलेट किया. अब और तो है, और ध्यान से देखिए, ये आप ध्यान से देखें सिग्मा एक्स आई स्क्वायर इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स आई, इसको मैं अभी के लिए ऐसा ही लिख लेता हूं. सिग्मा एक्स आई स्क्वायर इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स आई वेयर आई स्टार्ट फ्रॉम वन टू एन प्लस. बेटा देखिए इस टर्म में म्यू क्या है, आपको याद है म्यू तो माध्य होता है ना. म्यू म्यू को हम और क्या लिख सकते हैं? एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स. ये सब क्या है? ये यादृच्छिक चर का माध्य है. मैं चाहूं तो म्यू लिख सकता हूं, मैं चाहूं ई ऑफ एक्स लिख सकता हूं. तो बेटा माध्य तो एक रियल नंबर होता है, तो ये कांस्टेंट है और कांस्टेंट है तो इसको मैं इसके बाहर ले सकता हूं. तो मैंने बाहर ले लिया म्यू स्क्वायर इंटू सिग्मा ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स आई वेयर आई स्टार्ट फ्रॉम एन आई स्टार्ट फ्रॉम वन एंड गोज अप टू एन माइनस.
Here 2 mu will be also a constant number. तो इसको भी बाहर ले सकते हैं. हमने 2 mu बाहर ले लिया. Sigma xi into probability of xi where i starts from 1 and goes up to n. देखिए सभी लोग ध्यान से बदल से ये सेम लिख दिया मैंने वही. Mean square is a constant number. तो हमने उसको बाहर ले लिया. Sigma probability of xi where i starts from 1 to n minus 2 mu is again a constant number. तो मैंने इसको भी बाहर ले लिया. Sigma xi into probability of xi where i starts 1 from n from 1 to n. Okay. अब इसको ध्यान से देखें बेटा. यहां ये दो टर्म आप देखिए. वैसे तो सारे टर्म देखने हैं. क्या आप इसको पहचानते हैं? इसको इसको देखिए. मैं कुछ सिंपल से यहां पर उनका जिक्र करता हूं और क्लियर करता हूं आपको. सिग्मा प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स आई वेयर आई स्टार्ट फ्रॉम 1 टू n मींस सभी प्रायिकताओं का योग. सिग्मा लगा हुआ है. प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स आई मींस जितने भी हमारे रैंडम वेरिएबल हैं उन सभी की संगत प्रायिकताओं का योग. प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स वन एक्स टू ये सब क्या है? ये है रैंडम वेरिएबल्स जो हमारे यादृच्छिक चर उनके संगत प्रायिकताएं सभी संगत प्रायिकताओं का योग. तो बेटा आपने जब प्रायिकता बंटन बनाया था जब आपने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन तैयार किया था उस समय आपने देखा था कि यादृच्छिक चरों के संगत प्रायिकताओं का जो जोड़ होता था वो 1 के इक्वल आता था. याद आया आपको? सभी प्रायिकताओं का योग कितना आता था? 1 के इक्वल आता था. तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? इसकी वैल्यू होगी 1 एंड सिग्मा एक्स आई मल्टीप्लाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स आई वेयर आई स्टार्ट फ्रॉम 1 टू n. इसको पहचानिए. सोचिए थोड़ा सा दिमाग को जोर डालिए और याद कीजिए कि क्या इसको इससे पहले कभी आपने देखा है. सो आंसर इज यस. आपने देखा हुआ है. लास्ट लेक्चर में ही हमने इसको किया था. लास्ट लेक्चर में हमने इसको पढ़ा था कि ये यादृच्छिक चर का माध्य होता है. सभी यादृच्छिक चरों के मानों और उनके संगत प्रायिकताओं के गुणनफलों का योग. तो ये यादृच्छिक चर का माध्य है और माध्य को हम म्यू से भी लिख सकते हैं. हम चाहें तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स ई ऑफ एक्स से भी लिख सकते हैं. एंड और देखिए लास्ट में जो मुझे देखना रह गया है सिग्मा. ये हो गया, ये हो गया. अब इसकी बात करिए एक्स आई स्क्वेयर पी एक्स आई स्क्वेयर मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स आई वेयर आई स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड गोज अप टू n. बेटा आप इन दोनों को कंपेयर करिए. ध्यान से देखिए थोड़ा सा. इन दोनों को कंपेयर करिए. जब एक्स आई इंटू पी ऑफ एक्स आई है तो हमने ई ऑफ एक्स लिखा है. समझ आया आपको? जब एक्स आई इंटू पी ऑफ एक्स आई है तो हमने ई ऑफ एक्स लिखा हुआ है. तो जब एक्स आई स्क्वेयर इंटू पी ऑफ एक्स आई है तो क्या लिख सकते हैं? सोचिए थोड़ा सा. मैं इसको लिख सकता हूं ई ऑफ एक्स स्क्वेयर. आप भी देखिए, कोशिश करिए समझने की कि क्या हम इसको ऐसा कर सकते हैं या हम इसको ऐसा नहीं कर सकते हैं. जब सिग्मा एक्स आई इंटू पी ऑफ एक्स आई है तो ई ऑफ एक्स. सिग्मा एक्स आई स्क्वेयर इंटू पी ऑफ एक्स आई हो गया तो ई ऑफ एक्स स्क्वेयर लिख सकते हैं इसको. ओके. और ये सारी वैल्यूज हम इस पे पुट कर देते हैं. देयरफॉर वेरिएंस सिग्मा एक्स स्क्वेयर और वेरिएंस ऑफ एक्स विल बी इक्वल टू व्हाट इज दिस? दिस इज ई ऑफ एक्स स्क्वेयर. देखिए ध्यान से इसको. ये वही चीज है तो मैं इसकी जगह पर ई ऑफ एक्स स्क्वेयर लिख देता हूं. ई ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस प्लस मीन स्क्वेयर इंटू व्हाट इज दिस? दिस इज इक्वल टू 1. सो 1 इंटू मीन स्क्वेयर दिस इज टोटली 1. 1 इंटू मीन स्क्वेयर इज इक्वल टू मीन स्क्वेयर माइनस माइनस दिस इज 2 म्यू एंड व्हाट इज दिस?
See carefully here. This is sigma xi divided by p of xi, where I start from 1 and goes up to n. अभी अभी मैंने इसके बारे में यहां नोट किया है that this is equal to mu or e of x. So very first I want to write here in place of this function, I want to write mu only. मैं इसकी जगह पर mu लिखना चाहता हूं. तो बेटा ध्यान से देखना, ये 2 mu है, ये mu है. 2 mu multiplied by 2 mu into mu क्या हो जाएगा, 2 mu square. 2 mu square. फिर से 2 mu into mu 2 mu square. अब आप ध्यान से देखें, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा e of x square minus minus 2 mu square plus 1 mu square. It will be equal to minus mu square. Mu square means e of x whole square. Mu क्या चीज होता है, यार अच्छी चलता माध्य, और इसकी जगह में क्या लिख सकता हूँ, e of x. तो अगर mu का square है तो मैं e of x का भी square लिख सकता हूँ, e of x square में e of x का whole square लिख सकता हूँ. तो मैं इसकी जगह पे क्या लिखूंगा, आप देखिए, variance of x is equal to, या सिंबल को मैं लंबा नहीं करता हूं, आप सिंबल जानते हैं, इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूं इस सिंबल को, सिंबल मैं नहीं लिखूंगा, मैं सिर्फ वैल्यू लिखूंगा. तो क्या मिलेगा मुझे, e of x square minus mu means e of x, sorry, whole square, e of x whole square. तो बेटा आप देख रहे हैं फाइनली यादृच्छिक चर के प्रसरण सिग्मा x square और वेरिएंस ऑफ x की जो वैल्यू हमको मिली, e of x square minus e of x का होल स्क्वायर. दिस इज अ वेरी सिंपल फॉर्मूला, और इसकी हेल्प से कैलकुलेट करके प्रसरण को फाइंड आउट भी कर सकते हैं. और रही बात मानक विचलन की, आप सोच रहे होंगे कि सर ने मानक विचलन के बारे में नहीं बताया, तो मैं उसके बारे में भी बता देता हूं आपको. और आप सब जानते हैं कि अगर मैं प्रसरण का, ये जो प्रसरण आएगा, इसका अगर मैं वर्गमूल ले लूंगा, इसका अगर मैं स्क्वायर रूट कर लूंगा, तो वही उस यादृच्छिक चर का मानक विचलन हो जाएगा. तो ये बड़ा सिंपल सा कैलकुलेशन है बेटा, आप देखें गौर से. अगर आपको किसी भी जगह पर समझ नहीं आया है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं. और बड़ा सिंपल है, वेरिएंस का जो ये फॉर्मूला था उसी को मैंने कैलकुलेट करके दिखाया है. आगे जाके जब ये सारी वैल्यूज मिली, मैंने सारी वैल्यूज को यहां पर इस जगह पर आपको क्लियर भी किया कि वैल्यूज की क्या क्या इनकी जगहों पर लिख सकते हैं हम, वो हमने लिख के दिखा दिया. और फाइनली वेरिएंस का फॉर्मूला मिला e of x square minus e of x का whole square. तो आप प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और ताकि आपको ये सुविधा रहे, आपके सामने रहे, आप इसे नोट कर लीजिए ताकि आप कहीं भूले नहीं. अब मैं इसको इरेज कर देता हूं, ओके. और फाइनली वेरिएंस का जो फॉर्मूला मुझे मिला उसको मैं लिख देता हूं आपके सामने. यही तरीका होगा हमारा, यही फॉर्मूला होगा जिसके हेल्प से हम वेरिएंस को कैलकुलेट किया करेंगे, ओके. सो वेरिएंस प्रसरण सिग्मा एक्स स्क्वेयर और वेरिएंस ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स विल बी इक्वल टू e of x square minus e of x whole square, okay. And standard deviation, मानक विचलन का क्या कैलकुलेशन होगा, मानक विचलन सिग्मा x will be equal to under root variance of x, so under root. And what is variance of x here? E of x square minus e of x whole square. तो आपने दोनों के फॉर्मूले देखे, और न सिर्फ आपने फॉर्मूला देखा बल्कि आपने फॉर्मूले को डिराइव भी किया कि कहां से आखिरकार डायरेक्ट ये आ जाता है फॉर्मूला. अगर मैं ये डायरेक्टली आपको बता देता कि प्रसरण का ये फॉर्मूला होगा, मानक विचलन का ये फॉर्मूला होगा, तो आप सोच में पड़ जाते कि सर डायरेक्ट आपने ये कैसे बता दिया, ये तो समझ नहीं आया. लेकिन अब यहां पर न सिर्फ आपने फॉर्मूला समझा, देखा,
बल्कि इस फॉर्मूले को आपने डिराइव भी किया हुआ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बड़ा आसान होगा। अब इसकी हेल्प से ही हम अपने प्रसरण और मानक विचलन को कैलकुलेट करते रहेंगे, बड़ा आसान है। मैं एक बार छोटी सी चीज और आपको बता देता हूं, आप E ऑफ x कैसे कैलकुलेट करते थे, आप सभी बच्चों को याद होगा, E ऑफ x कैलकुलेट करने के लिए हम यादृच्छिक चर के मानों को उनकी संगत प्रायिकताओं से मल्टीप्लाई करवाते जाते थे और सबको जोड़ देते थे, यही करते थे, उससे E ऑफ x कैलकुलेट होके आ जाता था। तो बेटा E ऑफ x स्क्वायर कैलकुलेट करने के लिए क्या करना रहेगा, बहुत आसान है। E ऑफ x के लिए यादृच्छिक चर के मानों को उनकी संगत प्रायिकताओं से गुणा करा के जोड़ देना रहता है, लेकिन E ऑफ x स्क्वायर के लिए यादृच्छिक चर के मानों को वर्ग करके, यादृच्छिक चर के मानों को वर्ग करके उनकी संगत प्रायिकताओं के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और तब जोड़ेंगे। ऐसा करने से E ऑफ x स्क्वायर मिलेगा। E ऑफ x आप जानते हैं निकालना, E ऑफ x स्क्वायर की वैल्यू में E ऑफ x के होल स्क्वायर को माइनस कर दिया करेंगे, आपको प्रसरण मिल जाया करेगा, और विचलन के लिए आप उसका स्क्वायर रूट कर देंगे तो आपको विचलन यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन मिल जाएगा। स्टैंडर्ड डेविएशन को शॉर्टकट में एस डी से भी लिखा जाता है। ओके, सो दिस वॉज द मैथड एंड हाउ कैन यू कैलकुलेट द वेरियंस एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ अ गिवन डाटा ऑफ द रैंडम वेरिएबल, इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हो। और इसके लिए भी हमें प्रायिकता बंटन की आवश्यकता होगी, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की आवश्यकता होगी। तो जो भी क्वेश्चंस हैं उनके आप प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस तैयार कर लीजिए, उनके प्रायिकता बंटन बना लीजिए, और प्रायिकता बंटन बनाने के बाद उनके लिए E ऑफ x कैलकुलेट करिए, उनके लिए E ऑफ x स्क्वायर कैलकुलेट करिए, या वैल्यूज लिखिए और सॉल्व करके आप उनके प्रसरण और मानक विचलन निकाल सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि इस 13.4 एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन चल रहा था हमारा, उसके पहले, उससे पहले दो एग्जांपल्स अभी भी बाकी रह गए हैं, जिन दोनों एग्जांपल्स में वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन आपको फाइंड आउट करना है, वो एग्जांपल्स एग्जांपल नंबर 28 एंड एग्जांपल्स नंबर 29। आप सभी स्टूडेंट्स का ये होमवर्क है कि आप इनको कोशिश करें सॉल्व करने की, कैलकुलेटर है भी बुक में आपके, आप कोशिश करिए, कोशिश करेंगे तो आपको जरूर आ जाएगा, क्योंकि प्रायिकता बंटन और माध्य सब आपने समझा है। बस ये दो एग्जांपल बाकी है, एंड आफ्टर दिस टू एग्जांपल्स वी आर एबल टू, वी विल बी एबल टू स्टडी अबाउट द एक्सरसाइज 13.4। तो आप करिएगा, इन एग्जांपल्स के लिए हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ओके, थैंक यू।